सिखां दे विच सिखां दी जिहड़ी मजहबी गुरु ग्रंथ साहिब जी है उन्हां दे विच सिखां दी बाणी भी विच शामिल है, मुसलमानां दी बाणी भी विच शामिल है, तो हिंदुआं दी बाणी भी विच शामिल है। तो ये एक धर्म इस तरह का वै कि जिहड़ा मतलब कि सारिआं दी रिस्पैक्ट करता वै, सारिआं नूं इज्जत दिंदा। इस वास्ते जिहड़ा सिखिज़म है ये सारिआं नालों एक साडे कापी राय है, सारिआं नालों एक मुख्तलिफ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुरबानी दे पंज उपदेश, पंज मोती, पंज गल्लां इदां दीआं वै कि जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे विच लै आवे ते कामयाब है। वीडियो बड़ी ज़्यादा इंट्रस्ट है, शुरू तो लैके एंड तक लाजमी देखो, अपनी जिंदगी नूं कामयाब बनाओ। वीडियो देखनी है तो तुसीं अपने वास्ते वेखनी है, मैं वेखांगा ते असीं अपने वास्ते वेखांगे। वट्सअप आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक ते मेरे पेज नूं लाइक करो, वट्सअप ते मैनूं मज़ीद इदां दीआं वीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए, गो। गुरु की प्यारी संगत जी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में 15 भक्तों की वाणी दर्ज है। उनमें से एक है भक्त पीपा जी, जो के पहले राजा था। वह राजस्थान के गांगरोन इलाके के राजा थे। उन्होंने अपने अल्प राज्य काल में फिरोज शाह तुगलक, मलिक जर्द फिरोज व लल्लन पठान जैसे योद्धाओं को पराजित कर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। वह दुर्गा के पुजारी भी थे, वह माँ दुर्गा की पूजा करते थे। उनके मन में बचपन से ही भक्ति भावना थी, इसलिए वह साधु संतों की सेवा भी करते थे। और संगत जी, एक बात तो सत्य है कि जिसके मन में रब के नाम की लगन लग जाए वह फिर रुकता नहीं है। वह तब तक शांत होकर नहीं बैठता जब तक कि उसे रब न मिल जाए। और देखिए उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक मूर्ति पूजा से होती है। और उसके बाद जब एक बार उनके घर में संत रामानंद जी के चेले आते हैं तो वह भक्त पीपा जी, जिनका असल नाम राजा प्रताप सिंह था, उसे जब मूर्ति की पूजा करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि ऐ राजन, अगर रब को पाना है तो उसे अपने भीतर तलाश करो। राजा प्रताप सिंह को ये बात दिल में लग गई और वह संत रामानंद जी के पास पहुंच जाते हैं और विनती करते हैं कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो वहां से उनका दूसरा पड़ाव शुरू होता है। वह बहुत ज्ञान ध्यान की बातें सीखते हैं और उनका साथ उनकी पत्नी माता सीता देती है। वह भी राजबाग छोड़कर पति के साथ रहने लग जाती है। कुछ समय बाद वह राजस्थान के अलग अलग इलाकों में जाते हैं और लोगों को एक रब से जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसका कोई भी जिक्र नहीं करना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह अब मूर्ति पूजक नहीं रहे, वह एक रब को मानने वाले हो गए थे। वह बात करते थे कि खुद को खोजो और कर्म कांडों को छोड़ो। ये बात आज भी राजस्थान में कोई नहीं करता। वहां तो अब भी उनकी मूर्ति स्थापित करके उन्हें ही पूजा जाता है जिन्होंने मूर्ति पूजा से मना किया। लेकिन आइए संगत जी, हम सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी वाणी में क्या कहा। भक्त पीपा जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। यह वाणी श्री गुरु नानक जी ने खुद उनके पोते से ली और उसका प्रचार भी किया। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं भक्त पीपा जी के 5 उपदेश। भक्त पीपा जी मूर्ति पूजा आरती आदि के बारे में फरमाते हुए कहते हैं कि कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो यानी काया शरीर। क्या भाई तुम क्यों मूर्तियों को पूजते हो, क्यों आरतियां करते हो? जिसको तुम ढूंढते हो उसका पता मैं तुम्हें बताता हूं, वह कहीं और नहीं, वह तो काया यानी वह तो इस शरीर के अंदर है। और मैं आपको सच बताता हूं कि अगर उससे मिलना है तो इस तन को खोजो, इसमें ही सब कुछ है। मैं भी अपने शरीर में ही भगवान की खोज करता हूं, क्योंकि मेरा शरीर ही ईश्वर का मंदिर है। मेरे शरीर में विद्यमान आत्मा ही तीर्थ यात्रा करने वाला जंगम साधु है। मेरे लिए मंदिर भी ये है, आरती भी ये है, यात्रा भी ये है, सब कुछ इस शरीर में है, इसे ही खोजो। तो भक्त पीपा जी अपने पहले उपदेश में हमें समझाते हैं कि वह रब जो सभी में बसता है वो तेरे अंदर है, उसे अपने अंदर खोज, वह वही मिलेगा
इस काया में ही सब कुछ बसा है, इसे खोजो, तलाशो, अपने भीतर को जानो। असल खजाना अंदर है। संगत जी भक्त पीपा जी राजा थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने परम सत्य को पाया तो उन्होंने फरमाया कि सबसे बड़ी दौलत पैसे की नहीं बल्कि नाम की है। वह गुरबाणी में फरमाते हैं कि काया बहु खंड खोजते नव निध पाई, अर्थात कि लोग खजानों को पाने के लिए पता नहीं कहां कहां ढूंढते रहते हैं, मगर जिस जगह ढूंढना है शरीर में वहां कभी जाते ही नहीं। मैंने अपने शरीर में ही बहुत खोज तलाश करके नवनिधियों को प्राप्त कर लिया है, यानी खजानों को हासिल कर लिया है। भक्त पीपा जी कौन से खजानों की बात कर रहे हैं? वह खजाने हैं रब के नाम के, प्रभु गुणों के खजाने, अच्छे और सच्चे गुणों के खजाने जो हम सब के अंदर होते हैं, परंतु कभी खुद को खोजने का प्रयास ही नहीं किया, इसलिए वह दबे ही रह जाते हैं। मगर भक्त पीपा जी बार बार फरमा रहे हैं कि खुद को खोजो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे भीतर से ना मिले, ना कुछ पैदा होगा ना मरेगा। भक्त पीपा जी एक बहुत ही अद्भुत बात करते हुए फरमाते हैं कि ना कछ आए बो ना कछ जाए बो राम की दुहाई रहा, अर्थात कि ना कुछ आएगा और ना कुछ जाएगा, क्या नहीं आएगा और क्या नहीं जाएगा, बुरा विचार, बुरे ख्याल, अवगुण ना अब मन में आएंगे और ना मन से अब रब का नाम जाएगा, क्योंकि मैंने अब मन में रब को बसा लिया है, उसकी याद को मन में बसा लिया है, जिसकी बरकत से अब मुझे कोई विकार तंग नहीं कर पाता, अब मेरा जन्म मरण नहीं रहा, यानी अब मेरा मन स्थिर हो गया है। इस पंक्ति के कुछ लोग ऐसे भी अर्थ निकालते हैं कि मैं उस रब की बंदगी करता हूं जो ना आता है ना जाता है, वह तो हर घड़ी हर पल साथ है, सब में है, हर जगह है, और उसे उसके गुण गाकर ही देखा जा सकता है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि काश मैं भी उन तक जा पाता, देख पाता कि वहां क्या क्या है। हम सबका दिल करता है कि आसमान को चीरते हुए तारों में कहीं चले जाएं और देखें कि परमात्मा ने क्या कुछ बनाया है। हमारी इसी ख्वाहिश को भक्त पीपा जी पूरा करते हुए फरमाते हैं कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजा सो पावे। पिंडे यानी शरीर तन, जो ब्रह्मांड में है वैस शरीर में भी है। यह बात बहुत ही दिलचस्प है कि जो कुछ हम आकाश में देखते हैं वो हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर क्या है? वह परमात्मा जिसने ये तारे सूर्य ग्रह ब्रह्मांड सारा आकाश बनाया, उसी ने हमें भी बनाया और वह सबके भीतर है। अगर तुम उसे पालो तो समझो तुमने पूरे ब्रह्मांड को पा लिया है, मगर उसके लिए भगत जी फरमाते हैं कि जो खोजा सो पावे, अर्थात जो खुद को खोजता है मिलता उसे ही है। केवल बातों से हम उसे नहीं पा सकते, अगर उसे पाना है जिसने ये सारा जहान बनाया तो उससे प्रेम करना होगा, उसके हुक्म को मानना होगा, अपने बुरे विचारों को छोड़कर गुरु की बात माननी होगी, गुरु ने क्या कहा अगर उस पर चले तो जरूर हम उसे पा लेंगे। गुरु ही मार्ग दिखलाने वाला है। भक्त पीपा जी फरमाते हैं कि रब को पाना है तो गुरु को पाओ, उसके कहे अनुसार चलो। संगत जी आज गुरु कौन है जो हमें सीधे रास्ते पर लेकर जाए? वो केवल एक ही है और वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। अगर हम इनके बताए रास्ते पर चलेंगे तो रब को अपने भीतर ही पा लेंगे, जैसे कि भगत जी फरमाते हैं कि पीपा प्रणव परम तत्व है सतगुरु होए लखाव, अर्थात पीपा यानी मैं अपने गुरु को विनती करता हूं कि ऐ सतगुरु मैं तुमसे मिला तो तुमने मुझे मेरी असलियत बताई, समझाया
कि मेरा असल साम्राज्य मेरे अंदर है और वह महाराजा जो सभी राजाओं का मालिक है वह भी मेरे अंदर है। गुरु ने ही मुझे उस परम शक्ति के दर्शन करवाए जो सारे जहानों का मालिक है। तो गुरु से जुड़े, गुरु ही आपको रब से जोड़ता है। तो संगत जी, आपने देखा कि भक्त पीपा जी ने इन उपदेशों में साफ साफ लिखा कि गुरु से ज्ञान लेकर खुद को खोजो और अपने भीतर की ज्योति को पहचानो। तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, अच्छे विचार हैं, उन्हें उभारो और जियो। जितना अधिक हम अपने भीतर जाएंगे उतना अधिक हम ऊंचे उठ पाएंगे और रब को पालेंगे। तो संगत जी, भक्त पीपा जी जो पहले राजा थे, फिर संत बने और फिर रब को पाया, उस परम शक्ति को खुद में अपने अंदर ही पा लिया और दुनिया को भी ये बात समझाई कि वह कहीं और नहीं, तुम्हारे अंदर है, उसे वहीं खोजो। सो उनके इन विचारों को हमें समझने की जरूरत है, उन पर चलने की जरूरत है, ताजो हम भी उनके उपदेशों पर चलकर अपना जीवन सफल कर सके। धन्यवाद। कोई तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो व्यूअर्स, ए सी अज दी वीडियो क्या बात है, इन्होंने गुरबानी के पांच उपदेश सानू दसे है जेडे असी अपनावे तो कामयाब है। भगत पीपा जी नाम से उन्हों का। पहले तो उन्होंने ये दसिया कि खुदा एक है, अल्लाह एक है, खालक एक है और गुरु एक है। बिल्कुल सही गल है और उन्होंने ही मनना चाहिए। वह सब तो पहले उन्होंने गल ही एक वाजिया कर दी है। सब तो पहला उपदेश ही उन्होंने ये है कि वह एक ओंकार, बाबा गुरु नानक देव जी वाला उन्हों का उपदेश है। उन्होंने कहा एक ओंकार, उस तो अलावा कोई मालक नहीं है, कोई खालक नहीं। अच्छा, एक होर गल कि यह भगत पीपा जी जिहड़े सीगे ये हिंदू धर्म दे सीगे, लेकिन इन्हां दी बाणी भी विच शामिल कर दी सिखां दे विच। सिखां दी जिहड़ी मजहबी गुरु ग्रंथ साहिब जी है उन्हां दे विच सिखां दी बाणी भी विच शामिल है, मुसलमानां दी बाणी भी विच शामिल है, तो हिंदुआं दी बाणी भी विच शामिल है। तो ये एक धर्म इस तरह दा वै कि जिहड़ा मतलब कि सारिआं दी रिस्पैक्ट करदा वै, सारिआं नूं इज्जत दिंदा। इस वास्ते जिहड़ा सिखिज़म है ये सारिआं नालों एक, साढ़े अपनी लड़ाई है सारिआं नालों एक मुख्तलिफ है। और राजा सी एक कि सब दे उत्ते हुकूमत करदा सी, लेकिन उन्होंने उन्हूं छड्ड के एक भगत बन के, मतलब कि राजा पीपा जी ने दसिया ये है कि कामयाबी राजा बनना कामयाबी नहीं है। बिल्कुल, अजकल लोग ये समझते हैं कि अजकल लोग पैसे आए हैं तो असं बड़े कामयाब है जी, साढ़े को बड़ी वड्डी गड्डी है, साढ़ा बच्चा अपना बड़ी बड़ी तरक्की करन दिया, असं बड़े कामयाब हो गए हैं, असं बड़े सुख विच आ गए हैं। नहीं, ये कामयाबी नहीं है। भगत पीपा जी ने जिहड़ा विच दस्या वा एक उपदेश, उन्होंने ये कहा वा कि ये कामयाबी नहीं है। हालांकि भगत पीपा जी आप खुद राजा सी, राजा छड़ के वो एक अल्लाह ताला दी बंदगी करन लग पे। असल दे विच कामयाबी ही यही है कि उस अल्लाह, उस वाहेगुरु ओदी ही इबादत करो, ओनू ही तुसी एक मनो, ओदे अगे ही सजदा करो। ते लास्ट ते जिहड़ी इन्होंने गल कीती है गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पंजवां उपदेश, भगत पीपा जी दा पंजवां उपदेश ये सीगा कि तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़ो। अगर मुसलमान है तो वह अपने कुराने पाक दे नाल जुड़े, यही कामयाबी है। जे आप अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़ांगे, जेकर आप बाबा फरीद जी दे नाल जुड़ांगे, उन्हां दी गल्लां ते अमल करांगे, घरेलू लड़ाई झगड़े कोई चीज़ कुछ मैं कहना कि कुछ भी नहीं होएगा। तो इस वास्ते सानू गुरबानी दे नाल जुड़ना चाहिए, सानू कुराने पाक दे नाल जुड़ना चाहिए, सानू अपने मज़हब दे विच रह के अपने मज़हब दे नाल जुड़ना चाहिए वै, क्योंकि मज़हब धर्म कोई माड़ा निगाह हुंदा। पंज उपदेश सीगे जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे विचों इन्होंने जिहड़े सानू सुनाए सी। मोती तो होर बड़े ज़्यादा वै, होर भी मतलब कि होर जिन्ने इन्ने मोती है कि आपां गिनना शुरू कर दईए आपां गिन नहीं सकते। जिंदगी नूं चेंज करिए, आपां इहदे उत्ते अमल करिए। साडी इक अपनी राय सी, साडा इक अपना ख्याल सी, तुहाडा की ख्याल है, तुहाडी की राय है, तुसीं थले कमेंट बॉक्स विच लाजमी दसो। ये सी अज दी वीडियो, मिलांगे तुहानूं अगली वीडियो वास्ते। इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़।